जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में कुछ और ही हो गया है। जो देश पहले भारत को जूते की नोक पे रखते थे, आज वही भारत की हर चीज में तारीफ करते हैं। आज भारत देश हर चीज में तेजी से तरक्की कर रहा है। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, आज भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी में 5वें नंबर पे पहुंच गया है, और जल्द ही वो दिन भी दूर नहीं है जब ये 3रे नंबर पर आ जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत देश एक डेवलपिंग कंट्री है। जिन देशों में पहले भारत के नागरिकों को जाने नहीं दिया जाता था, आज वो देश भारतीय लोगों को फ्री में वीजा एंट्री देते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि भारत के नागरिक किन देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। एवन न्यूज देख रहे हैं आप, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप इनमें से किस देश में जाना चाहते हैं। मेरा नाम है मेघा, स्वागत आप सभी का। भारत अब तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, इसलिए भारतीय लोगों के लिए दुनिया अपने दरवाजे खोल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग, इसमें भारत की छलांग। दरअसल भारत इस रैंकिंग में अब 80वें पायदान पर पहुंच गया है। 2022 के मुकाबले ये 5 पायदान ऊपर है, यानी 2022 में 85वां नंबर भारत का था। आज भारतीय लोग 10-20 नहीं बल्कि पूरे 57 देश ऐसे हैं जहां पर बिना वीजा के फ्री में एंट्री कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इन देशों में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है या फिर वीजा ऑनलाइन अराइवल की सुविधा भी है। इसका मतलब है आप उस कंट्री में पहुंचेंगे तो आपको तुरंत वीजा उसी वक्त एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा। कौन से हैं वो देश जिसमें भारत को ये सुविधा है? फिजी, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, न्यू पलाऊ आइलैंड, समाओ, तुवालू, वनुआटू, ईरान, जॉर्डन, ओमान, कतर, अल्बानिया, सर्बिया, बारबाडोस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, डोमिनिका, ग्रेनेडा, हेती, जमाइका, मोंटसेराट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, कंबोडिया, इंडोनेशिया, भूटान, सेंट लूसिया, लाओस, मकाओ, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, बोलीविया, गेबोन, गिनी बिसाउ, मेडागास्कर, मॉरिटानिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, रवांडा, सेनेगल, सिशेल्स, सियरा लियोन, सोमालिया, तंजानिया, टोगो, ट्यूनिशिया, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, कैप वर्डे आइलैंड, कोमोरो आइलैंड, कजाकिस्तान, एल सल्वाडोर। इन 57 देशों में भारत को वीजा फ्री एंट्री है। ऐसे भी बहुत से देश हैं जिसमें भारतीय लोगों को जाने से पहले वीजा की जरूरत होती है। जिस तरह से 57 देशों में भारतीय लोग बिना वीजा के जा सकते हैं, ठीक उसी तरह से 177 देश ऐसे हैं जहां जाने के लिए भारतीय नागरिकों को पहले से ही वीजा अप्लाई करना पड़ता है। खास तौर पर चाइना, जापान, रूस, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बिना जांच के वीजा नहीं मिलता, और यहां पर वीजा पाने के लिए लोगों को 2-3 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। चलिए आपको बता देते हैं सबसे पावरफुल पासपोर्ट फिलहाल किस देश का है। नई रैंकिंग के आधार पर इस वक्त दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सिंगापुर का है। बीते 5 साल से पहले नंबर पे जापान का पासपोर्ट था, जो अब 3रे नंबर पे आ गया है। अमेरिका की बात करें तो भाई वो एक सुपर पावर है। सुपर पावर जैसे देश का पासपोर्ट इस वक्त 8वें नंबर पे है, और भारत का पासपोर्ट इस लिस्ट में 80वें नंबर पे है। सबसे कमजोर पासपोर्ट की बात करेंगे तो अफगानिस्तान का है, जबकि पाकिस्तान जैसे देश का पासपोर्ट सबसे कमजोर पासपोर्ट में 4थे नंबर पे है, और इनको कश्मीर चाहिए। फिर अब आप देखिए, एवन न्यूज टीवी देख रहे थे आप, नमस्कार।